आज से सर्वे शुरू हो रहा है। आज हम लोग के मन में बहुत उत्साह है कि आज से शुरू होगा। मैं कोशिश करूंगी कि जहां गुंबद है, गुंबद के नीचे से सर्वे जहां धप धप की आवाज़ आती है, वहां पर मुझे पूरा विश्वास है कि सीलिंग जरूर मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगी वहां का हो। आज हम उत्साह बहुत ज़्यादा है, महादेव की कृपा है, माँ चंगारवरी की कृपा है, उत्साह मन में बहुत है और मुझे विश्वास है कि आज बहुत से तथ्य और सत्य सामने आएंगे। जिस बातों को छुपाया जा रहा है, जिस सत्य को छुपाया जा रहा है, वो सच सामने आएगा। मेरा प्रयास ये भी रहेगा। सर्वे की टीम में कितने लोग हैं? पिछली बार 51 लोग थे और इस बार अभी मैंने देखा नहीं है, तो जाकर पता चलेगा। पूरी उम्मीद के साथ हम चल रहे हैं कि सर्वे हमारा होगा और सर्वे में, क्योंकि हमें विश्वास है सारे साक्ष्य हमारे वहाँ भरे पड़े हैं, इसलिए उम्मीद तो हमारे पक्ष में ही आएगा। ये सर्वे आज शुरू हो रहा है, इस ऐतिहासिक दिन है, बाबा विश्वनाथ माँ श्रृंगार गौरी का जो है चल रहा है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम भी बस पहुँच ही रहे, 5 मिनट हमें भी लगेगा। हमारी टीम में तो 8 लोग हैं, हिंदू पक्ष की टीम में 8 लोग हैं। सर्वे जो पिछली बार 53 लोग थे और उसके बाद अब तो मुस्लिम पक्ष की कितनी टीमें हैं। अरे भाई देखिए, वो इनका व्यक्तिगत मामला, मुस्लिम पक्ष रहे या ना रहे, ये हम अपने पक्ष को जानते हैं। हमारा पक्ष जो है दृढ़ता के साथ वहाँ खड़ा है, पूरी लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। हम लोग न लटकाने वाले हैं, न भटकाने वाले हैं और ना ही हम लोग भागने वाले हैं। हम लड़ाई को मुहिम तक, इस बाबा आराध्य जो हमारे आदि विशेषवर हैं, इनको मुकाम तक पहुँचा के ही छोड़ेंगे। ये जो दावा मुकदमा हम लोगों ने शुरू किया है, इसको अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे। इसलिए मुस्लिम अगर भाग रहा है, ये उनकी समस्या है। अब सर्वे एसआई बताएगी, अब ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कितने दिन सर्वे चलेगा। ये एसआई की टीम बता सकती है कि कितने दिन चलेगा। वो तो ट्रायल हमारा, सुनवाई वहाँ चल रहा है और चलेगा। हम लोग वहाँ, हमारी टीम वहाँ भी लगी रहेगी, लेकिन यहाँ सर्वे चल रहा है, ये हाईकोर्ट के आदेश पे चल रहा है, क्योंकि जिला न्यायालय ने भी आदेश दे दिया था और 4 तक उसने कहा था कि अपने रिपोर्ट को सबमिट कीजिए, क्योंकि सर्वे हुआ नहीं, आज सर्वे शुरू हो रहा है। तो ये तो जो प्रोसीजर कोर्ट का है वो चलेगा जिला कोर्ट में, लेकिन आज हाईकोर्ट के आदेश पर यहाँ जो है सर्वे होने जा रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से हमारी 4 वादिनी बहने हैं और उसके बाद 4 अधिवक्ता, माननीय श्री हरिशंकर जैन जी हैं हमारे सीनियर, विष्णु शंकर जी हैं, मैं स्वयं सुभाष चतुर्वेदी हूँ और वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी हैं। अरे नहीं भाई, इतनी जल्दी सर्वे, इतना बड़ा जो, इतनी सेंसिटिव मैटर, इतना जो है आप क्यों हल्के में ले रहे हैं? इसमें समय लगेगा या साहब बताएगा कि कितने दिन में, ये वो बता सकता है, करना उसको है। बिल्कुल तमाम जो भी जो सक्षम एजेंसियां हैं, तमाम लोगों को, विशेषज्ञों का सहारा एसआई ले रहा है। इसमें तमाम इंस्टीट्यूट हैं, तमाम जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके जो विशेषज्ञ एसआई के, सबको तलब किया गया और सारे लोग लगे हुए, पूरी टीम उनकी, विशेषज्ञों की टीम भरी पड़ी है। खुदाई को लेकर बहुत चिंतित थे, कोई खुदाई उदाई इस तरह की बात? नहीं, खुदाई की बात नहीं है। खुदाई तो भाई, क्योंकि अब डैमेज नहीं है, ये आश्वस्त किया है डैमेज नहीं होना है उस परिसर का। ये माननीय कोर्ट ने भी आश्वासन लिया है, ये एसआई से, एसआई ने भी शपथ दिया है कि भाई हम डैमेज नहीं होने देंगे इसको। इसलिए जो है बहुत सोच समझ, उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, बिना डैमेज किए उस परिसर का सर्वे करने में सक्षम है एसआई, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।